आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ।

बेसिकली आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है आपकी और उसके अकॉर्डिंग मुझे ये बताने की जब थर्मल डीकम्पोजिशन होगा फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का सो so उसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है सो so देखो मेरे पास क्या फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं राइट सो फेरस सल्फेट होता है आपका एफ इसका थर्मल डी थर्मल मतलब हीट की प्रेजेंस में जब आपका कोई रिएक्टेंट जो होता है वो डिकम्पोज कर जाता है इन मोर देन वन प्रोडक्ट्स राइट और आप कह सकते हो कि वो ब्रेक कर जाता है इन मोर देन वन प्रोडक्ट्स उसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं फाइन सो आपका एफ फोर जो होता है आपका टूट जाता है Fe2O3 में प्लस आपका SO2 और प्लस आपका SO3 में राइट right? सो so, इस टाइप से रिएक्शन टेक प्लेस करती है और ये रिएक्शन आप देख सकते हो बैलेंस्ड वे बिकॉज दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर आपके सेम है राइट right? सो so, यहाँ पर जो आपसे पूछा गया था दो हमें से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बतानी है बट आपसे बोला भी गया कि एलिमेंट एक्स है जो येलो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर राइट जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है एलोट्रॉपी भी शो करता है राइट उसकी दो ऑक्साइड्स फॉर्म भी होती है सो वो आपका और कोई नहीं इट इज योर सल्फर राइट सो ये एक्स एलिमेंट आपका सल्फर है क्योंकि आपके जो एसओ टू एसो, एसो, एसो थ्री ऑक्साइड्स बनी है ये आपकी क्या होती है मेजर एयर पॉलिटेंट्स होती है राइट और सल्फर आपका येलो कलर का भी होता है और कैटिनेशन प्रॉपर्टी और एलोट्रॉपी भी शो करता है फाइन सो दिस इज योर आंसर थैंक यू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज आज डाउनलोड करें डाउट नेट ऑप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर